सो यहाँ देख लो, यहाँ पे है बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च फ्रॉम बजाज, बजाज चेतक इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक चेतक आप कह सकते हो इसको। अब इसमें बहुत सारे अपग्रेड यहाँ पे बजाज ने कर दिए हैं। अब ये देखो, ये है अपना एक दूसरा कलर जो कि पुराना वाला था, पता अभी भी ये आ रहा है, तो दो वेरिएंट में अवेलेबल है। इसका मीटर देख लो कुछ किस तरीके से है, और इसका मीटर दिखाऊंगा आपको। दिस इज़ अ टॉप वेरिएंट और ब्लू कलर में बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। उससे पहले कुछ स्पेसिफिकेशन है बता देता हूँ। तो ये अपना टेक पैक है, स्टैंडर्ड है, तो ये स्टैंडर्ड है और ये वाला टेक पैक वाला है। टेक पैक की बात करते हैं, 130 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिल जाती है और रेंज मिल जाती है, 73 की टॉप स्पीड मिल जाती है, 650 किलोवाट की यहाँ पे आपको चार्जर मिल जाता है, स्टील बॉडी मिल जाती है पूरी, और फुल चार्जिंग 4 घंटे में, मतलब ऑलमोस्ट 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। इको एंड स्पोर्ट मोड यहाँ पे देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे रिवर्स मोड मिल जाएगा, ऐप कनेक्टिविटी मिल जाती है, ये सब बहुत सारे फॉब की मिल जाती है आपको इसके अंदर। और यहाँ पे जो नया मीटर आया है, ये आपको पूरा LCD मीटर देखने को मिलता है, कलरफुल LCD मीटर, 158 के यहाँ पे देखो ऑडो दिए हुए हैं, चल चुका है 74 के यहाँ पे रेंज है, ये सब कुछ दिखा रहा है। तो ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बात करूँ यहाँ पे, तो ये देख लो यहाँ पे एरर्स वगैरह आ रहा है, वार्निंग नोटिफिकेशन ये आ रहा है। यहाँ से बैक जाओगे तो ये बैक आ गए यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से बहुत कुछ एडजस्ट कर सकते हो। ये दबाया तो ये बैक आ रहा है यहाँ पे। बाकी यहाँ से जाएंगे अगर, यहाँ पे भी देख लो कंट्रोल दिए हुए हैं, सेट, ये रिवर्स, ये सब दिए हुए हैं। तो यहाँ से देखते हैं, तो ये यहाँ से भी कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पे मतलब होते हैं। ये यहाँ से भी देख, कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब दिया हुआ है, ये हॉर्न का दिया हुआ है जैसे, तो यहाँ पे फॉब की मिसिंग है, तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। बाकी यहाँ पे चेतक का लोगो दिया हुआ है, ये पूरा इसका LCD मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सामान रखने की जगह मिल जाती है। बाकी मैटलिक पूरी बॉडी मिल जाएगी, पूरी जो मैट बॉडी है आपको मैटलिक देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी सॉलिड आपको देखने को मिल जाती है इसकी क्वालिटी। साथ ही में सिंगल सीट मिलती है बढ़िया सी, और ये टेल जो उसका बहुत प्यारा टेल मिल जाता है चेतक का देखने को आपको यहाँ पे रेड डिजाइन के साथ। और यहाँ पे अलॉय व्हील मिल जाता है टायर में। तो अगर टायर साइज़ की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे MRF का टायर मिल जाता है देखने को। अभी टायर साइज़ भी आपको दिखाई देता हूँ मैं एक बार लगे हाथ। तो ये देखो 90x90 सेक्शन का 12 इंचज़ का व्हील आपको रियर में मिलता है, फ्रंट में भी मिलता है, और यहाँ पे आपको चेतक की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, कोई डिस्क देखने को नहीं मिल जाती है, और सेंटर स्टैंड और साइड स्टैंड दोनों देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको यहाँ डिस्क देखने को मिल जाएगी, सिंगल स्वाइड, यहाँ पे आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाता है ये रहा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे डिस्क मिल जाती है देखने को। और फ्रंट में आपको 90 सेक्शन का टायर रहने वाला है, और ये सब मेटलिक पार्ट रहने वाला है। बाकी LED यहाँ पे लाइट मिल जाएगी, LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, दिखा देता हूँ LED इंडिकेटर ऑन करके अगर होते हैं तो भाई यहाँ पे LED इंडिकेटर अभी ऑन नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पे फॉर्म मिसिंग है। तो ये है कुछ इसका इलेक्ट्रिक चेतक का नया अवतार, एक बार कैसा लगा जरूर बताना था। यहाँ पे ये है, यहाँ पे बेस वेरिएंट ये खड़ा हुआ है।